नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे और Instagram चैनल पे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड की बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, जैसे कि नवे रूल का आना, एडमिशन वीज़ा प्रोसेस के बारे में, चाहे बैचलर के लिए जा रहे हो, चाहे मास्टर के लिए जा रहे हो, चाहे वो PG डिप्लोमा के लिए जा रहे हो, उसमें क्या प्रोसेस में आया है, क्या PR के रूल्स स्टिक हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्या इस बार वीज़े आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी अपडेट अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, ताकि कोई भी ऐसी अपडेट आए आपको पहले पहुँच जाए। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं फिनलैंड के बारे में। पहले तो आपको उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं जो स्टडी वीज़ा पे वहाँ पे जा रहे हैं, चाहे वो स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि फिनलैंड के अंदर कुछ रूल्स स्टिक हुए हैं, रूल चेंज नहीं हुए हैं। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है। रूल्स स्टिक का मतलब ये है कि वहाँ पे PR की जो ऑप्शन थी थोड़ी उसको बढ़ा दी गई है, तो इसके बारे में पहले बाद में बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं किनके लिए, जैसे बैचलर है, मास्टर है, PG डिप्लोमा है, तो इन स्टूडेंट के लिए मैं यही कहूँगा, अगर आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बेफिक्र आँख बंद करके अप्लाई कीजिए, क्योंकि वीज़ा आना ना आना या आपके डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है, आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे कुछ मीडिया, बहुत सारे कुछ गलत एजेंट इस कंट्री को डीमोटिवेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो रहे हैं कि वहाँ पे रूल चेंज होंगे, रूल चेंज। देखिए, रूल चेंज होना एक अलग चीज़ होती है, स्ट्रिक्टनेस एक अलग चीज़ होती है। कोई कोई एक कंट्री अगर सख्ताई ही करती, कोई चीज़ देख के ही करती है, क्योंकि वहाँ पे पहले बहुत सारे लोग जाते थे, क्योंकि वहाँ पता है पेंशन मिल जाती है, अगर हम वेले भी बैठेंगे, जैसे हम कहते हैं कि खाली बैठते हैं, तो भी वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, उनका कहना है कि अगर यहाँ पे कोई आता है मेहनत करे, पढ़ाई पे ध्यान दे, अगर वो वेला है तो वहाँ पे काम करे, पैसे कमाए और हमें टैक्स दें। तो फिनलैंड को यह बात वहाँ पे बहुत खटकती है, क्योंकि फिनलैंड के अंदर वेले रहना बहुत ही गलत समझा जाता है। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि जहाँ पे कोई भी अपनी लाइफ में हमेशा बिजी रहे, कोई भी यहाँ पे खाली ना बैठे, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब के लिए आ रहा है, चाहे वो वर्क के लिए आ रहे हो, तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वहाँ पे काम नहीं है, काम वहाँ पे बहुत है, करने वाले भी लिए सब कुछ मिलता है, और लोग कुछ कॉल करके मुझे बोलते हैं सर वहाँ पे 3 महीना काम ना मिला, क्या हम वापस आ जाएंगे? बिल्कुल आप वापस आ जाएंगे, बट पहले आप ये सोचिए कि आप वहाँ पे 3 महीना काम नहीं करेंगे। लोग जाते ही दूसरे दिन काम ढूंढ लेते हैं, तीसरे दिन काम ढूंढते हैं, कम से कम 15 दिन के अंदर भी काम ढूंढ लेते हैं। कोई भी इंसान फॉरेन कंट्री में जाके 3 महीना खाली नहीं बैठता है, जॉब उसकी मजबूरी है, करनी पड़ेगी और ढूंढनी पड़ेगी, चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, वो कर लेता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी सैलरी इंप्रूव होती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, पहले हम एडमिशन के बारे में, जो बैचलर के लिए जा रहे हैं, मास्टर के लिए जा रहे हैं, जो PG डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, उनके एडमिशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो मास्टर के लिए जा रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कारण यह है कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ कोर्स है मास्टर के लिए बहुत ही कम है, तो बैचलर के लिए भी कोर्स थोड़े कम हैं, बट यह कि एडमिशन आ जाएगा। जो PG डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं अभी उनको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी PG डिप्लोमा के कुछ कोर्स ओपन अभी नहीं हुए हैं। अगर आप आर्ट्स के हैं या MA कर रखी है या सिंपल आप स्टडी कर रखी है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगस्त के अंदर भी कुछ डेट ओपन होने वाले, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर के लिए कुछ कोर्स ओपन हुए थे पर वो बंद हो गए, अभी बैचलर वालों के लिए कुछ कोर्स ओपन होने वाले हैं अगस्त और सितंबर के बीच में, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। फिनलैंड जाने का मेन मोटिव यही होता है कि कम पैसों में जाना और ज़्यादा पैसे कमाना, सबसे अच्छी खासियत है फिनलैंड के अंदर, इसलिए लोग वहां पे ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो सेकंड अब बात कर लेते हैं जो नवे रूल्स आ रहे हैं। नवे रूल्स ये कहते हैं कि अगर आपकी 1300 सैलरी है, तो बहुत सारे लोगों को डाउट हो गया 1300 सैलरी कमाना कोई आसान बात नहीं है। देखो, जब आप ऐसी कंट्री में जाते हैं, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, यहाँ पे 1300 कमाना एक एवरेज इनकम मानी जाती है, क्योंकि देखेंगे हर कोई ना कोई कंट्री 5 से 10 साल बाद अपनी सैलरी वो इंक्रीज़ करती है। जैसे कि अगर आप पहले 10 साल पहले देखेंगे वह, तो अब उस टाइम पे 1300 यूरो बहुत ज़्यादा मायने रखता था, बट आज के समय में 1300 यूरो मायने नहीं रखता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था फॉरेन कंट्री में जाके आप कितना वहाँ पे कमा सकते हैं या फिनलैंड में कितना कमा सकते हैं, उसमें भी मैंने पहले ही बता दिया था कि आप कम से कम 2000 यूरो 2500 यूरो कमा सकते हैं अगर आप स्किल कैटेगरी के अंदर, अगर आप लेबर कैटेगरी में है तो 800 से लेकर 1500 यूरो तक भी कमा सकते हैं। तो अभी जो फिनलैंड ने जो नया रूल बनाया है, जो कि अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कभी भी इंप्लीमेंट हो सकता है, तो ये कहता है कि अगर आपकी सैलरी 1600 यूरो महीने की है तो आप वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपकी कम है तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो लोगों का घबराहट ये हो रही है कि 1600 यूरो नहीं कमा पाएंगे। देखिए, अगर आप वहाँ पे मेहनत करेंगे 1600 या 2500 यूरो भी कमा सकते हैं, वो वहाँ जाके पता चलता है, यहाँ से नहीं पता चला, क्योंकि यह कंट्री बहुत ही हाई इनकम वाली मानी जाती है। वहाँ पे आप जाएंगे देखेंगे बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जो स्किल कैटेगरी में बैठे हैं, वो 2500 से लेकर 3000-4000 यूरो भी कमा लेते हैं, वो भी आराम से कमाते हैं। अभी तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, तो उसमें आप घबराने की जरूरत नहीं है। काम की वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, काम आपको मिल जाता है। देखो, काम उनको नहीं मिलता है
जिन्होंने कभी इंडिया में कोई काम नहीं किया, जैसे घर में बैठ कर कभी चाय नहीं बनाई है, काम वाली आ रही है, काम वाली काम करके जा रही है, फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जाके अपने खर्चे निकालने पड़ते हैं, तब जाके आदमी सर्वाइव करता है, तब जाके कंट्री में सैलरीज बढ़ती हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर फिनलैंड में जा रहे हैं मेहनत करनी है, और ये नहीं कि आपको वो जॉब नहीं करनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नखरे नहीं करना। बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके नखरे भी करते हैं, ज़्यादातर वो लोग नखरे करते हैं जो ज़्यादा अमीर लोग से आते हैं, जो बड़े हाई फाई घर से आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें ऐसी जॉब मिले कि मैं सुबह उठूँ, दरवाज़ा खोल के सरकार मेरे घर के बाहर खड़ी हो, वो कहे कि आपके लिए जॉब ऑफर लाएँ। ऐसा नहीं होता है, आपको वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, 10 जगह जाके रिज्यूमे देना पड़ेगा, तब जाके कहीं से आपको जॉब के लिए कॉल आती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप के लिए पीआर। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि पीआर में भी प्रॉब्लम करिए, देखो पीआर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अभी जो पहले जो पीआर मिलती थी वो 4.5 साल के अंदर अंदर मिल जाती है, बट इन्होंने थोड़ा टाइम बढ़ा दिया है, 1.5 साल, 1.5 साल और बढ़ा दिया है, जिससे कि आपको 6 साल के अंदर अंदर आपको पीआर मिल जाती है। उसके बाद टाइम आता है सिटीजनशिप के लिए, अगर आप सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 6 साल वेट करना पड़ता था, अब आपको शायद 8 साल वेट करना पड़ सकता है। पीआर के लिए 6 साल वेट करना पड़ेगा आज के टाइम पर, अगर आप सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हैं तो 8 साल कम से कम अप्लाई करना। सिटीजनशिप क्या होता है, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है सिटीजनशिप में क्या होता है। सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आपको वहाँ पर पासपोर्ट होल्डर लेना है, अगर आप वहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो 8 साल आपको वेट करना पड़ सकता है। वेट अप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद 10 से 11 महीने लग जाते हैं आपको पासपोर्ट आपके हाथ में आने के लिए, उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। पहले क्या होता था, जब आप फिनलैंड में सिटीजनशिप या पासपोर्ट अप्लाई करते थे तो आपको वहाँ पे लोकल लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है, जिसे फिनिश लैंग्वेज कहते हैं। अब ये जो फिनिश लैंग्वेज है अब पीआर के लिए भी मैंडेटरी कर दी गई, कम से कम आपका B2 लेवल या C1 होना चाहिए। अभी इसके ऊपर कोई पक्की जानकारी नहीं है कौन सा फिनिश लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए, B2 होना चाहिए, C1 होना चाहिए, B1 होना। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आता है मैं जल्दी से उसके ऊपर वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना कि जब पीआर अप्लाई कर रहे हैं तो टाइम पीरियड में बता दिया है, सिटीजनशिप के लिए बताया है तो 8 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगला डाउट किन लोगों का है वो है पीजी डिप्लोमा। अगर पीजी डिप्लोमा वाले कहते हैं कि हम कब पीआर अप्लाई कर सकते हैं, कब हम वहाँ पर सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए यह है कि अगर आप पीजी डिप्लोमा पर जा रहे हैं तो आप वहाँ पर पीआर और सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये पीआर उन्हीं के लिए है जो बैचलर और मास्टर के लिए जाते हैं। पीजी डिप्लोमा में वो स्टूडेंट जाते हैं जो मास्टर में एडमिशन नहीं आ पा रही या फिर बैचलर में एडमिशन नहीं आ पा रही, तो वो पीजी डिप्लोमा के सारे ही जाते हैं। तो पीजी डिप्लोमा के लिए क्या चाहिए होता है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे एवरीथिंग कोई भी डिग्री हो, चाहे डिस्टेंस क्यों ना हो वो भी चल जाती है, बट आपके परसेंटेज अच्छे होनी चाहिए। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो कम परसेंटेज है तो भी चल जाएगा, आयल्स कम है तो भी चल जाएगा, पीटी कम है तो भी चल जाएगा, अगर आप इंग्लिश ठीक ठाक है तो भी चल जाएगा। एडमिशन और वीज़ा दोनों आराम से आ जाते हैं, स्पाउस को भी वीज़ा मिल जाता है, बच्चों के साथ भी वीज़ा मिल जाता है, तो पीजी डिप्लोमा में वही लोग जाते हैं। पीजी डिप्लोमा के बाद आपको स्टडी कंटिन्यू करनी है या फिर बैचलर में या तो मास्टर में, अगर आप मास्टर में करते हैं तभी आपको वहाँ पे पीआर के लिए एलिजिबल है और सिटीजनशिप के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखना, बैचलर और मास्टर घबराने की जरूरत नहीं है, जो पीजी डिप्लोमा में जा रहे हैं उनको पीआर में और सिटीजनशिप के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप वहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आप वहाँ पे नहीं रहना चाहते हो तो वहाँ से आप मूव भी कर सकते हैं, जैसे कि लोग चले जाते हैं स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, इन कंट्रीज़ में भी चले जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आप कंट्री मूव ना करें, कंट्री वहीं पर रहें, कंट्री बहुत अच्छी है, बहुत आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे, आपको हर तरह की ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो बाकी कंट्री में नहीं मिलती है, जैसे कि आपको बच्चों को मेडिकल मिल जाता है वो भी फ्री में मिल जाता है, बच्चों की पढ़ाई वहाँ पे फ्री है, हाई इनकम भी है वहाँ पे, किसी प्रकार कोई करप्शन नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे कोई इसके प्रकार कोई बीमारियाँ नहीं रहती, जो कंट्री बहुत अच्छी है। तो अगर कभी मौका मिला तो हम भी जरूर जाएंगे फिनलैंड के अंदर, क्योंकि मेरा भी ख्वाब है फिनलैंड, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसी कंट्री है। तो अभी हम बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो जॉब से घबरा रहे, जो कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल पाएगी तो क्या करें। तो पहली बात तो जगह जाते हैं आपने पहले जॉब ढूंढ लेनी, चाहे आप पार्ट टाइम करें चाहे फुल टाइम करें, आपने हमेशा क्या करना है, बैकअप पे जॉब रखनी है। एक तो आपने फुल टाइम जॉब रखनी है, एक तो आपने पार्ट टाइम रखनी है। अगर आपके पास पार्ट टाइम जॉब चली जाती है तो फुल टाइम होती है, अगर आपके पास फुल टाइम जॉब चली जाती है तो पार्ट टाइम जॉब होती है। इससे क्या होता है कि आप कभी वहाँ पे खाली नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ का कानून यह कहता है अगर आप वहाँ पे खाली बैठते हैं 1 महीना या 3 महीना आपको कंट्री वहाँ से मूव करनी पड़ेगी, आपको कंट्री आउट करनी पड़ेगी या फिर आप दूसरी कंट्री जा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप फिनलैंड में रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जॉब मेरी ना जाए, तो बैकअप पे दो दो जॉब लेके चले, एक पार्ट टाइम एक फुल टाइम, जिससे कि आप अपना शेड्यूल बिजी रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट को आप अपना खाली नहीं दिखा सकते कि मैं खाली बैठा हूँ। तो अभी हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जो कहते हैं हम सिर्फ स्टूडेंट है, हमें कितना जॉब वहाँ पे अलाउड है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ 25 घंटे अलाउड था, अब उनके लिए खुशखबरी ये है कि अब उनको 30 आवर कर दिया गया है, अब आप हफ्ते में 30 घंटे जॉब कर सकते हैं, आपको 5 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। तो अब उनको घबराने की जरूरत नहीं, पहले कहते थे कि बहुत सारे रूल चेंज हुए हैं, घबरा रहे हैं,
घबराने के साथ साथ कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट भी आते हैं हर कंट्री के अंदर, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारे रूल अभी आने वाले हैं, अभी क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है फिनलैंड के एडमिशन के बारे में, वीज़ा के बारे में, या किसी और के पार्किंग में दिक्कत आ रही है, अगर किसी प्रकार जानकारी लेना चाहते हो, नीचे लिखे काउंटर में कॉन्टैक्ट करके आप इससे भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इससे मिलना चाहते हैं एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके आप इससे मिल भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी अपडेट आपको मिलती रहे, मैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिएगा। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।